आज हिंदू युवा वाहिनी जनपद बस्ती इकाई में जिला प्रभारी अजय अज्जू हिंदुस्तानी के नेतृत्व में बीती रात चीन के सैनिकों द्वारा की गई भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के विरोध में चीन के राष्ट्रपति का पुतला जिला कार्यालय के सामने न्याय मार्ग पर फूंका गया। जिला प्रभारी अजय अज्जू हिंदुस्तानी ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार अपने सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले चीनी सरकार हुए चीनी सामानों को सबक सिखाते हुए 20 जवानों के बदले 2000 जवान मारे, तब जाकर देश के वीर सैनिकों को उचित सम्मान मिल सकेगा। मुझे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह कि इस तरह से हम लोगों को चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। त्वरित हमको जिस तरह से 20 लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे शहीदों को मारा गया है, वह त्वरित बदला लेना चाहिए और 2000 मारना चाहिए। गर्दन काट कर कौड़ा वार को ताप लेना चाहिए। यह कड़ी जब आप पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं तो पूरे विश्व में डंका आपका बजेगा, और आप बैठ चुप होकर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी स्थिति ऐसे खराब होगी जैसे नेपाल भी जो हमारे नीचे छा रहा था वह भी बोलने लगा, और यह पाकिस्तान, नेपाल और चाइना तीनों लोगों को ठीक करने के लिए उसी समय दवाई करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के माते आहत है क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं थी, और धीरे धीरे यह खतरनाक काम किया गया और हमारे जवानों को मारा गया, इससे बहुत आहत है। और चाइना के एक भी मैं सबसे आग्रह भी करूँगा, और मैं स्वतः भी इससे आज से ही मुक्त ले लेता हूँ कि चाइना का एक भी सामान न उपयोग हो। चाइना के सभी सामानों का देश और प्रदेश के सभी वासी एकदम बंद करें, छूना बंद करें। टिकटॉक जितने चल रहे हैं, चाहे वह आईटी सेल पर हो, चाहे वह देश में कहीं भी चाइना का कोई भी जैसा भी हो, चाहे जो भी स्थिति हो, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपने पूज्य महाराज जी से भी आग्रह करूँगा, चरण वंदन करूँगा कि त्वरित हम सब लोगों को भी आदेश करें, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता भी सेना में, क्योंकि 3 साल की एक प्रावधान दिया है 3 साल सेना में जाकर, और हमारे पास करोड़ों। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।